अक्षय तृतीया पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान ऋषिकेश नारायण मंदिर की 108 परिक्रमा की और पुण्य के भागी बने। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के पर्व पर ऋषिकेश व्रत भगवान के मंदिर की 108 परिक्रमा करने वाले को भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का प्रतिफल मिलता है। स्कंद पुराण, केदार खंड, श्री भगवत गीता कथा, महाभारत आदि ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख भी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के शास्त्र नाम स्रोत में कहा गया है कि ऋषिकेश नारायण श्री भगवान के मंदिर की परिक्रमा के दौरान यदि मनुष्य विष्णु शास्त्र नाम का जाप करे तो उसे भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन करने का भी लाभ यहीं पर मिलता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुरु शंकराचार्य अपने हिमालय यात्रा के दौरान यहीं पर रुके और उन्होंने मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति को पुनः स्थापित किया था। इन सबके बीच बुधवार का दिन धर्म नगरी में आज पूरी तर्व से धर्म क्रम के नाम रहा। अक्षय तृतीया पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने जहां गंगा में स्नान कर भिक्षुओं को भोजन कराया, वहीं पौराणिक ऋषिकेश के मंदिर में परिक्रमा के लिए भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर में परिक्रमा करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो गई थी। दिन भर यही सिलसिला अनवरत रूप से चलता रहा। क्राइम स्टोरी के लिए ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट।